हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिशन सक्सेस विद मोहित। दोस्तों आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं श्वेत क्रांति, और आप इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे और इसमें से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों पर हम ध्यान देंगे। जो भी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम इसमें आज कवर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों क्या है, स्टार्ट करते हैं। श्वेत क्रांति, आज का टॉपिक है हमारा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति में क्या है, इसको वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, वाइट रेवोल्यूशन। और श्वेत क्रांति से दोस्तों जो आशय है वो ये है, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक ऐसे पैकेज की शुरुआत की गई थी जिससे दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसे ही वाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। इसके साथ साथ इस श्वेत क्रांति को एक ऑपरेशन फ्लड नाम का जो शब्द है उस नाम से भी जाना जाता है। अगर हमें कहीं लिखा हुआ ऑपरेशन फ्लड मिलता है कि श्वेत क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन फ्लड इसके नाम से जाना जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इससे संबंधित बनता है। अब अगली बात यह है कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई, 13 जनवरी 1970 ईस्वी में की गई थी। इसके जो जनक थे वो कौन थे, प्रोफेसर वर्गीज कुरियन, जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो प्रोफेसर वर्गीज कुरियन थे, जिन्हें अमूल मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जो एक अमूल ब्रांड है, आज भी हम देखते हैं कि अमूल का दूध या अमूल के दूध से बनने वाले बहुत से प्रोडक्ट को जो फेमस हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, तो अमूल के जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो भी प्रोफेसर वर्गीज कुरियन थे, इसलिए इन्हें अमूल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और इनके विषय में और क्या जानते हैं हम, इनका जन्म जो है 26 नवंबर 1921 ईस्वी में हुआ था। 26 नवंबर 1921 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, केरल के कोझीकोड नामक स्थान पर केरल में इनका जन्म हुआ था। और हाल ही में भी 2012 ईस्वी में 9 सितंबर 2012 ईस्वी में हाल ही में इनका निधन भी हुआ था। तो इस प्रकार इनसे जुड़े ये दो तथ्य जो है महत्वपूर्ण बनते हैं, जिनको हम ध्यान रखेंगे, जिनसे जो कंपटीशन है परीक्षा में जो है प्रश्न बनने के चांसेस अधिक रहते हैं। 13 जनवरी 1970 को श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। श्वेत क्रांति का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था दोस्तों कि डेयरी विकास को बढ़ावा देना, और डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1970 में NDDB की स्थापना की गई थी। ये क्या है दोस्तों, ये है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना भी 1970 ईस्वी में की गई थी। और किस लिए की गई थी, डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यानी इसका इससे जो आशय होता है वो है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास जो बोर्ड है उसकी स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी, डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। और जो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी वो गुजरात में हुई थी, और गुजरात का ही एक आनंद ज़िला है, उस आनंद ज़िले में इसकी जो है मुख्य रूप से अधिक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। किसका, श्वेत क्रांति का। जब श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई उसका जैसे ही प्रभाव दिखाई देता है तो गुजरात में अत्यधिक प्रभाव दिखाई दिया, और गुजरात के ही एक आनंद ज़िले में उसका सर्वाधिक जो है अत्यधिक प्रभाव दिखाई दिया। यानी वहाँ पर दूध का जो उत्पादन था वो पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गया, और वहाँ पर दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। और इसके साथ साथ क्या उद्देश्य इसके रखे गए कि श्वेत क्रांति में
वित्तीय सहायता के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की गई, जिससे जो किसान थे वो अपना जो है वित्तीय प्रबंधन इन सहकारी समितियों के माध्यम से कर सकते थे। दूध उत्पादन को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य था और दूध के भंडारण को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। पशुओं की नस्ल में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, क्योंकि पहले हमारे पास जो है इतने विकसित नस्लें नहीं थी पशुओं की, जो कम दूध देती थी, चारा उतना ही खाती थी लेकिन दूध कम देती थी। लेकिन धीरे धीरे उसमें जो है नस्लों में सुधार किया गया। विदेशी नस्लों को भी यहाँ पर जो है लाने का प्रयास किया गया और उनमें जो अधिक दूध देती थी, जो नस्लों की भैंसें या गायें, उनको यहाँ पर लाकर जो है अधिक दूध उत्पादन के लिए जो है यहाँ प्रेरित करने का प्रयास किया गया। उत्तम चारा उपलब्ध कराया गया, जिससे उत्तम चारा उपलब्ध होने के कारण ही पशुओं में अधिक दूध उत्पादन क्षमता का विकास होने लगा। परिवहन का जो साधन थे उनको बढ़ोतरी दी गई, जिससे जो है जो किसान थे जो अपना दूध बेचते थे वो परिवहन के साधनों के अभाव में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना जो उनका दूध होता था इकट्ठा दूध करते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचा पाते थे। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में भी परिवहन के साधनों का विकास किया गया और समिति तंत्र को अत्यधिक विकसित किया गया, जहां पर जो है वित्तीय प्रबंधन की बात यदि आती है तो वित्तीय प्रबंधन की भी जो है आवश्यकता जैसे जैसे होती चली गई, तो इस प्रकार समिति तंत्र को अधिक मजबूत और विकसित करने का प्रयास किया गया, जिससे जो वित्तीय प्रॉब्लम्स थी, जो वित्तीय समस्याएं थी, उनको दूर किया जा सके। देखिए, इसका जो प्रथम चरण था वो स्टार्टिंग हुआ 1970 से 1981 के बीच चला और इसका सर्वप्रथम 10 राज्यों में जो है प्रयोग के माध्यम से जो है शुरुआत की गई। सबसे पहले 10 राज्यों में इसकी जो है शुरुआत की गई और 10 राज्यों में शुरुआत की गई और इसका प्रभाव जो है उन 10 राज्यों में सर्वप्रथम देखने के लिए भी मिलता है। इसके साथ साथ उसमें जो 10 राज्यों के साथ क्या किया गया था, जो चार बड़े महानगर थे, चार बड़े महानगरों में कौन था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये चार बड़े महानगर थे। इनमें जो है दूध की आपूर्ति के लिए ही जो है पहले चरण में 10 राज्यों में जो श्वेत क्रांति है इसकी शुरुआत की गई थी, ताकि इन महानगरों के जो निवासी हैं उनको प्रचुर मात्रा में दूध जो है मिल सके, जिससे वो दूध की जो कमी है उस दूध की कमी को इन चारों महानगरों में पूरा किया जा सके। तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में जो है दूध की आपूर्ति के लिए पहले चरण में 1970 से 1981 में 10 राज्यों में दूध उत्पादन की शुरुआत की गई। इसके साथ साथ एक मदर डेयरी का भी जो है यहाँ पर स्थापना की गई, इन चारों महानगरों में मदर डेयरी की भी स्थापना, मदर डेयरी संस्थान जो है उसकी भी स्थापना पहले चरण में की गई। पहला चरण कब चला, 1970 से 1981 तक। इसके बाद दूसरा चरण चला 1981 से 1985 में, और 1981 से 1985 में दूसरे चरण में अन्य राज्यों में जो है इसका शुरुआत देखने के लिए मिलती है। पहले 10 राज्यों में शुरुआत चली थी, इसके बाद जो शेष राज्य रह गए थे उनमें प्रयास किया गया कि उसमें भी जो है दूध के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके, जिनमें जो है कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी कुछ एरिए शामिल थे। वहाँ पर जो है इसकी शुरुआत हमें देखने के लिए मिलती है और उसका प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है, और प्रभाव के फलस्वरूप हमें बढ़ा हुआ उत्पादन भी देखने के लिए मिलता है। जितना उत्पादन पहले चरण में हो रहा था दूध का, उससे अधिक उत्पादन जो है हमें देखने के लिए मिलता है। पहला चरण जब हमारा शुरू हुआ, उससे पहले जो दूध का उत्पादन होता था भारत में, तो लगभग 22,000 टन दूध का उत्पादन भारत में होता था। लेकिन इस चरण के बाद, पहले चरण समाप्ति के बाद, यानी लगभग ऐसा समझ लीजिए 1989 के आसपास, ये 1,40,000 टन दूध का उत्पादन जो है
भारत में होने लगा। तो इसका प्रभाव लगातार दिखाई दे रहा था दूध उत्पादन में, लगातार दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी होती चली जा रही थी। इसी प्रकार तीसरा चरण का क्रियान्वयन किया गया। तीसरा चरण कब शुरू किया गया, 1985 से 2000 के मध्य जो है तीसरे चरण की शुरुआत रही, और इसमें अधिक से अधिक सहकारी समितियों की स्थापना की गई, जिससे वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ बनाया जा सके और अधिक से अधिक मात्रा में जो है दूध के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। लगभग 73,000 सहकारी समितियों का गठन, समितियों की स्थापना इस तीसरे चरण में श्वेत क्रांति के माध्यम से की गई। इसके अलावा उस समय जब ये हमारी 13 जनवरी 1970 ईस्वी को श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री, ये भी प्रश्न हमें कहीं कंपटीशन में, परीक्षा में देखने के लिए मिलता है, तो हम इसका भी ध्यान रखेंगे कि हमारे देश के जो पीएम थे उस समय जब श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई, तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय हुआ करते थे। उसके बाद हमारे देश के जो राष्ट्रपति से प्रेसिडेंट वो उस समय वी गिरी थे, जो प्रेसिडेंट थे वो वी गिरी थे। और कृषि मंत्री की यदि हम बात करें, तो कृषि मंत्री उस समय डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद इस समय हमारे देश के कृषि मंत्री हुआ करते थे, जिस समय श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में शुरू हुई। तो इस प्रकार से पीएम कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, राष्ट्रपति कौन थे, वी गिरी थे, और कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद हमारे देश के कृषि मंत्री हुआ करते थे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है दोस्तों, देखिए जो ये प्रोफेसर वर्गीज कुरियन थे, इनका जन्म 26 नवंबर 1921 ईस्वी में हुआ था, और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। तो ये भी प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है, यदि परीक्षा में आता है तो इस तथ्य का भी हम ध्यान रखते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, देखिए जब 1970 ईस्वी से पहले जब श्वेत क्रांति की शुरुआत नहीं की गई थी, तो उस समय हमारा देश में दूध का उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं होता था, और हमारा देश लगभग 50वें नंबर पर दूध उत्पादन में विश्व में आता था। लेकिन जैसे जैसे श्वेत क्रांति आती चली गई, और श्वेत क्रांति में दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलता चला गया, लगातार दूध का उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ता चला गया, और उसमें आज परिणाम ये है कि हमारे सामने कि जो हमारा जो भारत देश है वो दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, यानी सर्वाधिक जो दूध का उत्पादन होता है विश्व में वो भारत में ही होता है। इसके अलावा उस समय यदि पहले समय की हम बात करते हैं, तो प्रति व्यक्ति जो दूध की जो प्राप्ति थी, प्रति व्यक्ति दूध की प्राप्ति 1970 से पहले जो प्रति व्यक्ति दूध की प्राप्ति होती थी वो 125 ग्राम प्रति व्यक्ति होती थी, 125 ग्राम प्रति व्यक्ति होती थी 1970 से पहले। लेकिन अगर हम उसके बाद की बात कर लें कि इन तीन चरणों के पश्चात जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, तो तीन चरणों के पश्चात जो है वो दूध के उत्पादन में वृद्धि होती चली गई, और प्रति व्यक्ति जो है 263 ग्राम प्रति व्यक्ति जो है दूध वो मिलने लगा। लेकिन अगर हम अब वर्तमान समय की बात करें, तो वर्तमान में कितना दूध मिलने लगा है, वर्तमान में जो है उसकी बढ़ोतरी और अधिक हो गई है। 2013 और 14 के दौरान की यदि हम बात करते हैं, तो 307 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध होता था 2013 और 14 के दौरान,
और यदि हम अब बात कर लें 2020 की, तो 2020 में जो है 407 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध होता है भारत में। प्रति व्यक्ति दूध की जो उपलब्धता है वो 2020 के अकॉर्डिंग 407 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बनी हुई है इस समय। तो इस प्रकार से जो है ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए श्वेत क्रांति में मिलती हैं। अब आती है बात कि इसके जो है श्वेत क्रांति जब लागू हुई, दूध की उपलब्धता बढ़ी, बहुत सारी चीज़ों में सुधार आया, तो इसके लास्ट में जो है परिणाम क्या निकल के आते हैं। देखिए क्या परिणाम, कि परिणाम वही निकल के आते हैं कि किस किस चीज़ में बढ़ोतरी हुई है। देखिए किस किस चीज़ में बढ़ोतरी हुई है कि दूध का लगातार उत्पादन बढ़ता चला गया और परिणाम हमारे सामने हुआ कि लगातार दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति बढ़ती चली गई और हम विश्व में एक ऐसे पायदान पर पहुंच गए जहां जो है हम एक पहला स्थान वहाँ रखते हैं विश्व में दूध के उत्पादन में। इसके अलावा पशुधन में जो है बढ़ोतरी होती चली गई। पहले पशु केवल जो जितना दूध का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में लोग करते थे केवल उतना ही जो है पशु वो रखते थे, व्यापार के जो माध्यम से वो को पशुओं को नहीं पालते थे, व्यापार की दृष्टि से नहीं पालते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे दूध का उत्पादन बढ़ता गया और नई नई नस्लों का जो पशुओं की जो नस्लें थीं उनमें सुधार होता चला गया, चारे की उपलब्धता बढ़ती चली गई और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है समितियों के माध्यम से वित्तीय जो सुधार था वो भी होता चला गया, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए पशु धन जो था उसमें भी बढ़ोतरी होती चली गई। इसके साथ साथ जो टीकाकरण अभियान है, पशुओं का टीकाकरण अभियान है, वो भी चलाया जाने लगा और पशुओं के टीकाकरण अभियान के माध्यम से जो है पशुओं में बीमारी जो थी वो भी कम होने लगी, इससे भी जो है फ़र्क पड़ा और दूध के उत्पादन में लगातार वृद्धि होती चली गई। पशुधन बीमा की शुरुआत की गई सन 2005 में, 2005 और 2006 में पशुधन बीमा की शुरुआत की गई। और दूध की उपलब्धता में प्रति व्यक्ति लगातार बढ़ोतरी होती चली गई और इसके साथ साथ जो है इन सारी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने काफ़ी मात्रा में जो है सहयोग किया, जिससे परिवहन के साधनों का विकास भी किया गया, चारे की उपलब्धता को बढ़ाया गया और चारे की उपलब्धता के साथ साथ जो है पशुओं की नस्लों में सुधार किया गया। पशुओं की नस्लों में सुधार के साथ साथ जो है जो टीकाकरण अभियान है, पशुधन बीमा योजना है, इस प्रकार की अन्य योजनाओं की भी शुरुआत की गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये पूरा जो है कॉम्बिनेशन इस प्रकार बनता है। अब इसमें एक बार हम रिवाइज करते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से वो हम एक बार फिर से जो है रिकॉल कर लेते हैं। देखिए क्या है, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी 13 जनवरी 1970 में, इसकी शुरुआत की गई थी। जनक प्रोफेसर वर्गीज कुरियन थे, जिनका जन्म 26 नवंबर 1921 में केरल के कोझिकोड नामक स्थान पर हुआ था। हाल ही में 9 सितंबर 2012 को उनका निधन हो गया था। और जो 13 जनवरी 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और उसी समय 1970 में ही एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट संस्थान की भी शुरुआत की गई, जिसे NDDB प्रोग्राम कहते हैं। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की भी शुरुआत कब की गई थी, 1970 में की गई थी, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। सबसे पहले गुजरात में शुरुआत की गई थी, आनंद जिले में अत्यधिक प्रभाव देखने के लिए मिलता है। वित्तीय सहायता के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी। दूध उत्पादन को बढ़ाना और भंडारण को बढ़ाना, पशुओं की नस्ल में सुधार करना, उत्तम चारे की व्यवस्था करना, परिवहन के साधनों को बढ़ाना और समिति तंत्र को विकसित करना, इसके प्रमुख उद्देश्य उस समय रहे थे। 1970 से 1981 में पहला चरण शुरू हुआ, जो 10 राज्यों में इसकी शुरुआत की गई। और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता ऐसे चार महानगर थे जिनमें दूध की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए मदर डेयरी की स्थापना की गई और लगातार दूध का उत्पादन में बढ़ोतरी होती चली गई। दूसरे चरण शुरुआत हुई 1981 से 1985 में, जो अन्य राज्य थे उन सभी राज्यों में इसे शुरू करने का प्रयास किया गया
जैसे कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश उनमें से प्रमुख राज्य थे। और एक दूध अनुसंधान केंद्र की स्थापना हैदराबाद में जो श्वेत क्रांति थी इसको लेकर की गई। तीसरा चरण शुरू हुआ 1985 से सन 2000 में, अधिक से अधिक सहकारी समितियों की स्थापना की गई, लगभग 73,000 सहकारी समितियों की स्थापना तीसरे चरण के अंतर्गत कर ली गई थी। इसके बाद हमारे देश के पीएम कौन थे, उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे, राष्ट्रपति वीवी गिरी थे और कृषि मंत्री डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे। प्रारंभ में 125 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1970 ईस्वी से जो श्वेत क्रांति है उससे की शुरुआत से पहले हुआ करती थी, बाद में बढ़ते बढ़ते जो है वो 263 व्यक्ति प्रति व्यक्ति पर पहुंच जाती है। 2013 और 14 के दौरान 307 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता होती थी और वर्तमान में अब यदि हम बात करते हैं तो 406 या 407 ग्राम जो है दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति बनती है वर्तमान समय में। प्रारंभ में भारत का लगभग 50वां स्थान आज़ादी के समय के बाद बनता था दूध की उपलब्ध दूध के उत्पादन में, और यदि हम वर्तमान की बात करते हैं तो भारत का जो है प्रथम स्थान दूध के उत्पादन में विश्व में बना हुआ। और एक अंतिम प्रश्न ये बन जाता है कि 26 नवंबर 1921 ईस्वी को प्रोफेसर वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था और 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार हम जो है ये कई प्रश्न इसमें कवर कर चुके हैं और सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो हमने इसमें देख लिए हैं, कवर कर लिए हैं। इससे बाहर जो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति में इससे बाहर कोई प्रश्न ऐसा नहीं बनता जो इसमें हमने नहीं बताया है, और आगे भी जो है यही प्रयास रहेगा। तो दोस्तों ये श्वेत क्रांति का टॉपिक जो है यहीं जो है समाप्त होता है, और आगे हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मिशन सक्सेस विद मोहित। आगे हम फिर से जो है आपका साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। आप वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।